गया जो मैं डायरेक्टली फेंक रही हूँ, ये भी टूट गया। ये गाइस, सो फाइनली मैंने बॉयलर से ज्वेलरी ऑर्डर किया और ये सुबह ही आया है। एक्चुअली उन लोग का जो अनबॉक्सिंग ज्वेलरीज है वो बहुत सस्ते प्राइस में ऐड आ रहा था बार बार, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जल्दी से उन लोग के ज्वेलरीज ऑर्डर करूं और देखो कि वो वॉट है कि नहीं। तो अगर आपको भी देखना है, आपको भी ऑर्डर करना है बॉयलर से ज्वेलरी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। So before starting my video, I'd like to introduce myself. I'm Palakshi. I make videos on beauty, fashion and lifestyle. First of all, welcome or welcome back to my channel, Be Fab with Palak. एक्चुअली भोइला के जो ज्वेलर्स हैं उन लोग का बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा था फेसबुक में, तो मुझे ट्राई करना था। एक्चुअली मेरा खुद का ऑनलाइन साइट है ज्वेलर्स के, तो मुझे पता है कि ज्वेलर्स के प्राइस कितने होते हैं, और यूजुअली भोइला के ज्वेलर्स अच्छे भी होते हैं और उन लोग का प्राइस ज़्यादा भी होता है। तो इतने सस्ते में, लाइक 200 रुपये में, 99 रुपीज़ में, 49 रुपीज़ में उन लोग का ज्वेलर्स आ गया था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि लाइक क्वालिटी कैसे दे रहे हैं वो लोग। और उसी के कारण मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था। और उन लोग की कैसे ऑर्डर करना है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोग को ज्वेलरीज। जो ज्वेलरी आया है इस बॉक्स में आया है, सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैकिंग इसका पसंद नहीं आया है, क्योंकि ज्वेलरीज आया है तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट थोड़ा सा सेफ्टी वो लोग मेंटेन करेंगे और नीचे कुछ डालेंगे ताकि ज्वेलरीज ख़राब ना हो। लेकिन उन लोगों ने जस्ट ऐसे ही पैक किया और सेंड कर दिया, जो मुझे इतना पसंद नहीं आया उन लोग की पैकेजिंग। सो या उन लोग के जो भी ज्वेलर्स मैंने ऑर्डर किया है, ये सारे मिनिमम 49 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक है, आई मीन 199 रुपीज़। और एक ही है ज्वेलरीज जो 199 रुपीज़ की है और बाकी मोस्टली 49 रुपीज़ के हैं, और एक नेक पीस है जो 99 रुपीज़ की है। तो मैं दिखाने जा रही हूँ फर्स्ट ये ब्रेसलेट। ये जो ब्रेसलेट है, मुझे एक्चुअली इस टाइप के ब्रेसलेट बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट होता है ये हम लोग मोस्टली इंडियन वर्क के साथ कैरी कर सकते हैं, या अगर हम लोग कोई भी गोल्डन वॉच पहन रहे हैं उसके साथ भी ये इसको कैरी कर सकते हैं। दोनों के जो कम्बिनेशन होता है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो ये जो लॉक का पार्ट है, यू कैन सी लॉक का पार्ट अच्छा है, और इसका जो MRP है वो 649 रुपीज़ है, यू कैन सी। तो अगर मैं बात करूँ इस ब्रेसलेट की, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इट्स क्यूट, बट 49 रुपीज़ में दिस इज वॉट द प्राइस। बट अगर इस पार्ट को दिखाऊं तो मुझे लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा काला पड़ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। किसको पसंद आता है कि नया ज्वेलर ले रहे हो और वो थोड़ा सा काला पड़ा हुआ हो। तो मुझे लगता है कि 49 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करने से बेटर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे के एक अच्छा ब्रेसलेट ले रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट या मैं ये ऐसा नहीं है कि पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट अच्छा है, इसको मैं चेंज करके किसी और लेग ब्रेसलेट से निकाल के कुछ भी मैनेज करके ये मैं डेफिनेटली पहन सकती हूँ। तो या 49 रुपीज़ के हिसाब से दिस इज फाइन, जस्ट ओके है, वाव नहीं है। अनदर ज्वेलरी पीस जो मुझे एक्चुअली पसंद आया वो है ये, इसका भी प्राइस 49 रुपीज़ है, यू कैन सी। इसका जो लाइक ये पर्ल का वर्क है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लगा, एंड इस टाइप की जो ब्रेसलेट होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसको भी मैं एक्चुअली आई गेस इसमें वॉच के साथ, गोल्डन कलर की वॉच के साथ डेफिनेटली इसको कैरी कर सकती हूँ, और इस ये हाथ में पहनते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद आया। ओ शिट, टूट गया, क्या है ये, मुझे एक्चुअली पसंद आया था ये, पता नहीं मैं क्या करूंगी इसके साथ। बट या आई थिंक ये मेरी ही गलती है कि मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया, अदरवाइज इट्स क्यूट, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है। इसका प्राइस भी 49 रुपीज ही है। मैंने एक्चुअली इसीलिए ही ट्राई किया था सस्ता वाला ऑर्डर करके कि इसका क्वालिटी ही मुझे देखना है, बिकॉज ये लोग मोस्टली अनबॉक्स ज्वेलर्स की ही एड दे रहे थे। अब इसको रख देती हूँ, अनदर ज्वेलरी देखती हूँ, ये अनदर ब्रेसलेट जो मुझे काफ़ी पसंद आया,
ये भी 49 रुपीज में। इसको मैं कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हूँ। ये लाइक देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसका प्राइस 49 रुपीज है। और इसमें जो भी स्टोन का काम किया, सारे स्टोन है, यू कैन सी, बहुत बहुत सुंदर है ये। और उसका MRP है 499। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आपने जो ऑर्डर किया है हर एक चीज़ें बहुत आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। बट ये अगर इसके लिए मैं 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 भी पे करूँ तो इट्स वॉट, क्योंकि ये काफ़ी क्यूट है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक ये सारे रिजेक्टेड पीस हैं उन लोगों के, बिकॉज इसमें सारे काइंड ऑफ गोल्डन स्टोन्स है और इसमें एक ही स्टोन है जो पर्पल कलर का है, और बीच बीच में ये लोगों का व्हाइट स्टोन डाला हुआ है। तो मुझे ये मीनिंग समझ में नहीं आया, इन लोग के स्टाइल समझ में नहीं आया क्या है, बट देखने के लिए क्यूट है, देखने के लिए सुंदर है। सो या मैं इसको रखूंगी और इसको मैं ऑब्वियसली पहनने वाली हूँ। अनदर ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर किया है, ये भी 49 रुपीज की है। See, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, और कहीं पे भी कलर वगैरह कुछ खराब नहीं है। आई थिंक यहाँ से अगर आप ज्वेलर्स ऑर्डर करोगे तो ये आपके किस्मत के ऊपर है, अच्छा भी आ सकता है, अच्छा नहीं भी आ सकता है, आप कुछ कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। एंड आई थिंक कोई भी ज्वेलर्स में रिटर्न एक्सचेंज का ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो अनबॉक्स ज्वेलरीज है। ये यू कैन सी इट्स द ब्रेसलेट, बहुत क्यूट है ये मुझे काफी पसंद आया। इसको भी मैं कोई भी इंडियन इंडियन ड्रेसेस के साथ मैं कैरी कर सकती हूँ। मेरे पास एक्चुअली ब्रेसलेट्स है, लेकिन सारे ब्रेसलेट्स मेरे वेस्टर्न्स के साथ ज्यादा जाते हैं जो भी है। लेकिन ये जो ये आज का जो ज्वेलरीज है, ये मोस्टली मैंने ऑर्डर किया है इंडियन वेयर के साथ कैरी करने के लिए। सो मैंने नेक्स्ट ऑर्डर किया है ये इयर रिंग्स, 49 रुपीज की है ये भी। आई एम नॉट श्योर फिनिशिंग कैसा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा नहीं है, यू कैन सी, बट इस कलर के मेरे पास एक टॉप है जिसको मैंने रिसेंटली परचेज किया है और उसके साथ पहनने के लिए मैंने ये लिया है। हाँ, 49 रुपीज के हिसाब से दिस इज फाइन, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू वेयर दिस, बट इस इयररिंग्स की एक प्रॉब्लम है, ये भी टूट गया, सारे सारे टूटते जा रहे हैं, क्या है मतलब। आप लोग के सामने ही मैं निकाल रही हूँ, आप लोग के सामने ही टूटते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कि इन लोग की क्वालिटी कैसे है। सो यू कैन सी, आई डोंट नो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये जो पार्ट है ये कंपैरेटिवली बड़ा है, जिसके कारण शायद शायद मेरे कान में नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या करूंगी, ये सबके में सिर्फ ये पसंद आया और ये पसंद आया, ये दोनों ही मैं पहन सकती हूँ आई गेस, बाकी सारे तो मुझे फेंकना पड़ेगा यार। और एक नेक पीस ये आया, ये नेक पीस एक्चुअली रोज गोल्ड कलर में है, इसका भी क्वालिटी काफी खराब है, काफी खराब है। ये तो मुझे लगा था सबसे खराब क्वालिटी का यही आया है, लेकिन बाकी सब देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रखूंगी कौन सा फेंकूंगी, मैक्सिमम तो फेंक नहीं है। ये बहुत क्यूट है, ऐसे तो क्यूट लग रहा है, नो डाउट। मुझे इस टाइप की जो ज्वेलर्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आता है, नेक पीस मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन इसका भी क्वालिटी वाइज काफी लो है, काफी। यू कैन सी दिस पार्ट थोड़ा सा ब्लैक हो गया है ये, देन वेट यू कैन सी दिस पार्ट
थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, देन यहाँ पे भी थोड़ा, मतलब लाइक जो कलर है वो थोड़ा सा फेडेड हो गया है, थोड़ा सा कलर लाइक यू नो आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस ऑब्वियसली। पता नहीं मैं ये पहन पाऊंगी कि नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज नॉट एट ऑल गुड। एक्चुअली मैंने वॉयला के कुछ रिव्यूज़ देखा था, उसके बाद ही मैंने ऑर्डर किया था। उन लोग का रिव्यूज़ बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा ज्वेलर्स है ऐसे ही देखा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया ओके एप्लीकेशन उन लोग का डाउनलोड करूँ, और देन मैंने ऑर्डर किया। बिच उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बोला था उन लोग का अनबॉक्स ज्वेलरीज भी अच्छा है। बाय द वे इसका प्राइस था 99 रुपीज़, जो मैं डायरेक्टली फेंक रही हूँ। देन लास्ट ज्वेलरी जो मैंने ऑर्डर किया है, ये पता नहीं ये मैंने क्यों ऑर्डर किया, बट क्या है ना, मुझे इस टाइप की ज्वेलरीज अपने वार्डरोब में चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं पहनती हूँ इसको, पहन के मैं कहीं जाऊंगी इसके साथ स्टाइल करूंगी, मुझे नहीं पता। जस्ट मुझे इस टाइप की एक हैवी ज्वेलरीज जस्ट चाहिए था, तो मैंने ये ऑर्डर किया और ये मुझे बहुत सस्ता मिला। इसका प्राइस सिर्फ 200 रुपये था, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। उसका ओरिजिनल प्राइस है 999, 200 रुपीज़ में ये मुझे पसंद आया, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो लाइक ये पहनते हैं लोग या नहीं, बट शादी वगैरह के लिए इसको स्टाइल करने के लिए बहुत अच्छा है। डेफिनेटली मैं इसको शादी वगैरह में स्टाइल करना पसंद करूँगी इंडियन वेयर के साथ। यू कैन सी एक मांग टीका है, देन ओके ये मांग टीका है, काफ़ी क्यूट है, तो मुझे पर्सनली ये मांग टीका पसंद आया, और पूरा सेट उस हिसाब से तो मुझे पसंद आया ये। और ये जो नेक पीस है ये भी एक्चुअली अच्छा है। यू कैन सी दिस इज एक्चुअली प्रिटी, मुझे पसंद आया इसको। मैं ऑब्वियसली कोई भी इंडियन वर्ग के साथ डेफिनेटली कैरी करना पसंद करूंगी शादी वगैरह के लिए। खुद को इस टाइप की ज्वेलर्स पहन कर मुझे बहुत रिच वाला फील आता है, लाइक जैसे सीरियल में या मूवीज में लोग पार्टी में जाते हैं और इस टाइप की ज्वेलर्स कैरी करते हैं, उसी टाइप का फील आ रहा है मुझे। उसके साथ जो इयररिंग्स वगैरह आया है वो भी बहुत अच्छा है। यही सबसे अच्छा सेट है आई गेस, जितना मैंने उन लोगों से ऑर्डर किया उसके हिसाब से इसका कंपैरेटिवली क्वालिटी अच्छा है। अगर आपको ट्राई करना है डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो इन लोग के ज्वेलर्स, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारे ज्वेलर्स एक साथ मत ऑर्डर करना। सो या इतना ही था ज्वेलर्स आज के लिए। अगर आपको ऑर्डर करना है वॉयला से ज्वेलरी और आप भी कंफ्यूज हो कि अनबॉक्स ज्वेलर्स से ऑर्डर करे कि ना करे, तो आपको आई थिंक आइडिया मिल गया कि उन लोग के ज्वेलर्स कैसे हैं। सो जो इस टाइप के नेक पीस है, डेफिनेटली आप इस टाइप के नेक पीस ऑर्डर कर सकते हो, आई थिंक ये सारे अच्छे ही आएंगे। लेकिन ये सारे जो इयररिंग्स एंड ऑल 49 रुपीज़ के जो भी ज्वेलर्स है, ये आई डोंट थिंक कि ये प्राइस के हिसाब से भी वॉट है, क्योंकि 49 रुपीज़ अगर आपको पहनना ही नहीं है क्यों ही वेस्ट करना। तो मैं तो ऑब्वियसली और शायद वॉयला से ऑर्डर नहीं करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ 600 रुपीज़ ही ऑर्डर किया था, और इन लोग का अगर मिनिमम 2000 से ज़्यादा आप ऑर्डर ना करो तो 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज पे करना होता है। तो डिलीवरी चार्ज इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज मेरा एक्चुअली है 593 आई गेस, बट दैट्स ओके बिकॉज आई एम हैप्पी विथ देयर 2-3 प्रोडक्ट्स, लाइक ये तीनों आई एम हैप्पी। सो बाकी पता नहीं ये सबका मैं क्या करूँगी, पता नहीं क्या करूँगी, बट जो भी मेरा वॉयला के साथ एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको ऑर्डर करना है कौन सा ऑर्डर करना है, कौन सा ऑर्डर नहीं करना है, और किस हिसाब से करना है, अगर करना है कि भी नहीं। इन लोग की
बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी देखो तो। या अगर ऐड के हिसाब से वो लोग क्वालिटी ज्यादा अच्छा देते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, मैं शायद नेक्स्ट टाइम खरीदने के लिए ज्यादा सोचती। अब भी शायद मैं नेक्स्ट टाइम परचेस ना करूँ कोई भी ज्वेलरीज उन लोगों से। या मैंने कोशिश किया जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।